Dota Tali Bajaye Banjo. Each and every student ke Dota Tali Bajaye. Tali mein kanjoosi mat karo yaar. Dono haath diye Bhagwan mein. Aage din hai tumhare paas. आज हम इनके लिए बजाएंगे, कल आपके लिए बजेगी। यस सर। चलो आओ भाई, मिलन सर। सर भाई फोटो खींचना, फोटो। अरे तुम मत पकड़ो ना, तुम वो कैमरा पकड़ो। वीडियो चल रहा है ना? अच्छा वीडियो चली, हाँ तुम फोटो भी लो ना उसके साथ। यार ऐसे नहीं, दीपक सामने से आओ, सामने रहो, फोटो सीधा ले। आलम एक सिंगल दिल से बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस, बताइए। ये लो स्टार्टिंग में सर तो थोड़ी सही थी, लेकिन बाद में फिर अपना आपको वैसा हैबिट ही हो गई। लेकिन जो सीख के जा रहा हो यहाँ से, जो भी सीख के जा रहा हो यहाँ से, वो शायद ही कोई दूसरा इंस्टीट्यूट मुझे दे दे, वो बिल्कुल नहीं हो सकता सर। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? बेशक बेशक सर। जो यहाँ पर नए स्टूडेंट बैठे हुए हैं फिलहाल, उनको क्या कहना चाहोगे? क्या है जो जो नए स्टूडेंट है, आपको भी शायद नॉलेज हो गया रहेगा यहाँ पे रह के, तो आपको खुद मालूम पड़ना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। ठीक है, आप तो मेरे हिसाब से हार्डवेयर क्लास भी ज्वाइन करो तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा सर। बिल्कुल, तो मतलब यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आने वाला है उसके कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, एक और बताओ। चलो यहाँ पर मेहनत, बिना मेहनत के सर कुछ नहीं मिलता। बिना मेहनत के अगर तुम सोचोगे कि मुझे सब कुछ मिल जाए तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये ख्वाबों में तो बिल्कुल भी नहीं रहना। और नया स्टूडेंट क्यों ज्वाइन करे ये भी बताओ। नया स्टूडेंट सर उसको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उसको वो जो वे में जा रहा है वो गलत वे हो सकती है उसकी, यहाँ पे उसको परफेक्ट नॉलेज और परफेक्ट चीज़ मिल सकती है। इसके लिए वो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करे तो ज़्यादा बेटर है, बहुत अच्छी बात है। चलिए थैंक यू वेरी मच। ये बार जोरदार ताली बजाइए भाई। क्लिप कट करके बनाना, ठीक है? कट करके नटने हैं। आओ भाई अमीन जी। आओ मिलन सर। सिंगल सिंगल फोटो लो, हमारी बुक भी है। पूछना चाहूंगा, मैं बहुत कम लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं हम लोग को भी समय नहीं है, हम लोग को भी जाना है भाई, हमारे भी बहुत शौक काम है। मुझे ये बताओ कि क्या रहा एक्सपीरियंस टोटल, और नए स्टूडेंट को क्या हिदायत दोगे बताओ। एक्सपीरियंस तो यही रहा सर कि मैं तो 7-8 साल से काम कर रहा था वैसे तो, लेकिन ट्रेसिंग जो है उसमें बहुत दिक्कत आती थी, तो ट्रेसिंग की वजह से ही मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहता था। तो यहाँ पे आने के बाद में मेरे को सबसे अच्छा लगा ड्रेसिंग, जिस तरह से आपने सिखाए, कंपोनेंट की नॉलेज, आईसी की नॉलेज, दुर्गेश सर से फाइलों की नॉलेज मिली बहुत अच्छी तरह से मेरे को। मैं इतने साल से सॉफ्टवेयर कर रहा था, लेकिन फाइल्स किस तरह से, मतलब सीपीयू वाइज किस तरह से फाइल्स होती है ये दुर्गेश सर ने बताया हमारे को, ये तो मैं कभी जान भी नहीं पाता था। तो बहुत अच्छा लगा इसे टेलीकॉम ज्वाइन करके। नए स्टूडेंट को क्या जाता है? नए स्टूडेंट को तो जो अगर अच्छी तरह से नॉलेज लेना चाहते हैं तो इसे टेलीकॉम जरूर ज्वाइन करें, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बेसिक से लेके पूरा डीप नॉलेज तक यहाँ पे। आपको मिला है कि नहीं मिला? हाँ मिला है सर। मिला है? हाँ मिला है। आपके साथ कौन आए? मेरे साथ आए, बुलाइए, क्या नाम है? अकबर अली। जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। तो अली मुझे ये बताइए आपका थ्रू आउट एक्सपीरियंस कैसा रहा, नए स्टूडेंट को क्या आधार देंगे, और आप सीख के गए कि नहीं गए बताइए। सर जो मेरा जो अनुभव रहा है वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकता सर, क्योंकि जो है मैंने जो सोच कर आया था उससे मुझको ज़्यादा मिला है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ ज्वाइन कर रहा था उससे पहले तो बहुत सारी उलझनें थी कि कैसा होगा, क्योंकि मैं 4-5 सालों से काम तो कर रहा था लेकिन बहुत सारी जो दिक्कतें पेश आ रही थी उसके चलते मैं सोच रहा था कि अगर ज्वाइन करूं या ना करूं, पहले तो ये था, लेकिन उसके बाद में जब यहाँ पर आकर जो है
हर सर की जो मुझे क्लास मिली है, बल्कि हम सबको, उसका मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जो जितने भी तरीके से जो हमको अब तक हम जो काम कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैं 5-6 साल से क्या कर रहा था मुझको पता नहीं था। कंपोनेंट की कुछ नॉलेज नहीं थी, रजिस्टर किसको कहते हैं ये तक पता नहीं था, और कैपेसिटर किसको कहते हैं, उनका काम क्या होता है। पहले जब ये सब चीज़ें शॉर्टिंग होती थी तो हम उसको बिना समझे सोचे उसको जो निकाल देते थे कि उसका क्या कुछ काम है, कुछ पता नहीं था। लेकिन जैसे ही जो है हम क्लास ज्वाइन की, उसके बाद उसका जो है पता चला, तब जाकर जो है हम कुछ जो है सीख पाए जो है। हाँ, उसका जो हम जो लफ्ज़ बयान नहीं कर सकते। तो आने वाले जो नए स्टूडेंट हैं, इनके लिए मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप जो है अपने मार्केट की किंग बनना चाहते हैं तो ज़रूर जो है एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करें। ठीक है, थैंक यू। मिस्टर इमरान बैंगलोर से आइए, आओ मिलन, एक बार इनकी स्माइल के लिए ताली बजाओ यार। लास्ट क्या शब्द कहना चाहेंगे स्टूडेंट को, ये बताइए कि क्या मैं सीखे गया, कैसा अनुभव रहा मेरा, और क्या नए स्टूडेंट को कहना चाहेंगे कि कमर कैसे कर सकते, बताइए। मेरा नाम इमरान है, बेंगलोर से हूँ। जब मैं आया था 0 भी नहीं माइनस 1-2 जो भी लगा सकते कभी रजिस्टर भी नहीं काटा लाइफ में, कभी भी रजिस्टर भी नहीं काटा लाइफ में, तो इधर आके डर तो निकल गया, चिप तो काट सकता हूँ एटलीस्ट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मनाने का, जो एक्सपेक्टेशंस थे वो पूरे फुलफिल किए देव सर ने, हर एक टीचर ने, एक कॉन्फिडेंस भरा अंदर कि हाँ कर सकते हैं काम। तो क्यों बोले तो मैं सिर्फ फोल्डर बदलता था, चार्जिंग पिन डालता था, और मेरे दोस्त लोग भी थे, कभी बोल के नहीं थे कि जेआर ये होता है, ऐसे टेस्ट करना है, ऐसा करना है, वो सिर्फ पी 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 करके बैठते पी पी करता, तो पता नहीं चलता था ये पी पी क्यों करता है। तब पता चला कि पी पी क्यों बसता है, क्या है शॉर्ट, क्या है ऑफ शॉर्ट, क्या है सॉफ्टवेयर, किस लिए सीखना है, सिर्फ हार्डवेयर सीखने से काम नहीं चलता है। तो लाइफ की ट्रैक नहीं थी, तो जरा के एक ट्रैक मिल गई, तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे हम सब, और सबसे भी जरूर बनेगा, इधर से तो जो भी नॉलेज लेके जाएगा बेशक बनेगा, तो जितना भी कमजोर रहने दो, 0 या माइनस, मेरे ऐसा -1 -2 जो भी रहने दो, वो इंशाल्लाह जरूर कुछ ना कुछ बन के जाएगा इधर से। और खाली अब तो कोई जा ही नहीं सकता, इधर से कुछ गुड एक्सपीरियंस मिलेगा। राजकुमार बताइए, नाम राजकुमार है तुम्हारा। मैं भी जब स्कूल में था, मैंने एक बार बोला था, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत साफ है बचपन से, तो मुझे मैंने बोला था कि मम्मी मेरा नाम ऐसा राजा राजा टाइप का कुछ रखो, मेरे को वो गोविंदा की पिक्चर भी आती थी ना, अच्छा याद है, उसका नाम राजा था, राजा होता था सर, राजा बाबू। तो मैंने बोला मेरा नाम कुछ ऐसे ही राजकुमार राजा ऐसा रखो, मेरे दोस्त का नाम राज हुआ करता था। अच्छा, जब हम कॉलेज में थे तो हमारे जिन दोस्तों का नाम राज होता था वो अलग ही लेवल पे खेलते थे, है ना, राज अलग। तो राजकुमार बताओ अपने नाम को कितना खिलाओगे यहाँ पे जाने के बाद में, और एशिया टेलीकॉम का उसमें कितना बड़ा हाथ? सर एशिया टेलीकॉम का हाथ उसमें 101% है सर, क्योंकि जब मैं आया था तब मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था सर, सर्किट का बिल्कुल नॉलेज नहीं था, बस नॉर्मल में नॉर्मल काम करता था, फोल्डर वगैरह चेंज करना, टच वगैरह, मुझे सीरीज का कुछ भी, कंपोनेंट का भी कुछ भी नॉलेज नहीं था। बट मुझे यहाँ आकर सारी चीज़ का नॉलेज मिला, मुझे आईसी निकालना,
थोड़ा चिप लेवल का काम मैं यहीं पर सीखा हूँ सर, इससे पहले मैंने कभी भी आई सी नहीं निकाली थी। और बाकी टीचर के लिए क्या कहना चाहोगे? हाँ सर, सारे टीचर एक से बढ़कर एक बेस्ट है सर। पढ़ाने का तरीका कैसा है? सर सबसे अच्छा है ना। कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि कभी भी कोई भी टॉपिक चालू कर देते हैं? नहीं सर, कभी भी सॉफ्टवेयर चालू किया? नहीं नहीं सर, यहाँ स्टेप बाय सिखाया जाता है हर चीज। देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपने ना अभी क्या है जिंदगी में कुछ अटेंड नहीं किया लाइफ में, इसलिए बहुत चीज हल्की सी लगती है, कभी कभी ऐसा होता है। आप कभी एक 15 दिन का कोर्स ज्वाइन तो करो, फिर आपको पता चलेगा जमीन और आसमान का कितना अंतर है कि आपने यहाँ पे 30 दिन क्या दिया अपना। वो लोग जानते हैं जो यहाँ से ऑलरेडी इंस्टीट्यूट करके आए हैं, तो उन लोग से मैं पर्सनल पूछ चुका हूँ, वो लोग अंदर से उनसे पूछेगा जो लोग जानते हैं कि मार्केट में कैसा सिखा रहे हैं। तो 10 दिन वाला 15 दिन वाला जो कोर्स होता है ना भाई मेरे भाई, उसमें है ना उनका कोई सा भी दिन में कोई सा भी टॉपिक चालू हो जाता है, पता है क्या, दूसरे दिन में, क्योंकि हमारे को तो उनके कितने स्टूडेंट के आते हैं कॉल, हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें बातें होती है, हमें सब पता रहता है, दूसरे दिन ही ईएमसी पढ़ाने चालू कर देते हैं। आप खुद बताओ सब लोग, एक बार दिखाओ जरा कैमरा उनको कि क्या दूसरे दिन में ईएमसी पढ़ाने लायक है क्या? आज मैंने खुद अपने लिए आईफोन की पीसीबी परचेस की ये सोच के कि मैं 13 को 50 बार निकालूंगा कि साले स्टूडेंट के सामने एक बार निकाल सकूं। तो भाई तुम लोग तो स्टूडेंट हो, तुम लोग को तो ये करना चाहिए, तुम तो अभी यहाँ घुसे हो, तुम लोग तो माइनस से बोल, सही बोला वो जो अभी गया बोलकर कि मैं जीरो पे नहीं था, मैं माइनस में था, ये मानते भी नहीं मानते हो, माइनस में थे भाई आप लोग। चलिए ठीक है, मिस्टर यांग के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। एक तो फॉलो ना मिले हम लोग को इस बार बहुत है। चलो एक बार फोटो बचा निकल लो। यंग मुझे आप नेपाली में बात करो और मैं चाहता हूँ तो नेपाली में आप अपनी चीज तो बताओ कि एटलीस्ट आप यहाँ से क्या सीखे, बाद में नए स्टूडेंट को क्या ऐड होगे। तो एक यहाँ बताइए कि नेपाल से कैसे आए यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं सर नेपाल से आना है, कैसे आए हैं, वे कौन सा है, क्या ट्रेन पकड़ी आपने, कौन से शहर से होते हुए आए, थोड़ा ये भी बताइएगा, बताइए सर। सबैभन्दा पहिले नेपालबाट चाहिँ पाटोका दिल्ली आए, दिल्लीबाट यहाँनिर डाइरेक्ट आएको म, त्यस्तो यहाँ आउनु एसिया टेलिकममा आउनुलाई त्यत्रो गाह्रो छैन, ट्रेनबाट पनि आउन सकिन्छ, बाई एयर पनि आउन सकिन्छ, त्यही भएर आउन सक्नुहुन्छ, पेसक आउन सक्नुहुन्छ। मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ अत्यन्तै राम्रो छ, मैले जे सोचेर आएको थिएँ त्योभन्दा धेरै लिएर जाँदैछु यहाँबाट, तपाईँहरू पनि आएर यहाँबाट धेरै लिएर जान सक्नुहुन्छ। सुधाकर जी के लिए मैं एक ताली इसलिए आपको बोलूंगा बजाने के लिए, क्योंकि देखो बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं, मैसेज करते हैं सर हमको चश्मा लगता है भाई, हम माइक्रोस्कोप में बैठ सकते हैं कि नहीं, ये बड़ा सबसे बड़ा सवाल है माइक्रोस्कोप में बैठना चश्मे के साथ में। तो सुधाकर जी तो कल यार एमएमसी एक बार में कर दी मेरे हिसाब से, तो सबसे पहले फोटो खींच लेते हैं, एक बार जोरदार ताली बजा रहे हैं उनके लिए। ठीक है सुधाकर जी, थोड़ा सा बताओ एक्सपीरियंस पर्सन हो, क्या एक्सपीरियंस यहाँ से लेकर जा रहे हैं, गेन क्या किया? तो पहले तो मैं रिपेयरिंग कर रहा था, लेकिन कंपोनेंट्स लेवल पर कुछ पता नहीं था, सर्किट के लेवल पर पता नहीं था क्या सर्किट है, कैसे कोई वर्क करता है, कोई आईसी कोई चीज, और सॉफ्टवेयर के बारे में फाइल वाइज जानकारी नहीं थी, जो मुझे दुर्गेश सर ने बताया। उसके बाद एएमकेसी चेंज के बारे में पता नहीं था, वो मिलन सर ने बताया, और रोहित सर ने भी मुझे
फिरोज सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, टेस्टेड आईसी कैसे निकालनी है, सारे सर्किट के बारे में जानकारी दी बहुत अच्छे लेवल पर। आज मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने मार्केट में किंग बन सकता हूँ मेहनत करके। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, विश्वास ये है जो हमको घर से बाहर निकालती है। yes, sir. कि मैं जिंदा लौट कर आऊंगा, समझ में आ रहा है। yes, sir. तो जिंदगी में तो इतना भी है कि घर से बाहर निकलोगे तो ट्रक उड़ा के ले जाएगा, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। राकेश कुमार वैस आइए भाई। राकेश भैया राकेश जी कहाँ से? राजस्थान। क्या बात है, राजस्थान से आइए। सिंगल हो गया, सिंगल अच्छा। राकेश जी मुझे ये बताओ, आपको मालवाड़ी आती है, मतलब राजस्थानी आती है क्या? yes, आती है। तो राजस्थानी में बताओ यार, कैसा रहा, नए स्टूडेंट को क्या याद दोगे कि कैसे क्या आगे सोच कर रहा है बताइए। देखो भाई जी, मेरे एक ही कहना है क्योंकि जो अपन है बारीकी सप्लायर को, आपने डायग्राम को, सिमेट्रिक को और सर्किट डायग्राम नॉलेज लेना है तो एशिया टेलीकॉम में सबसे बेस्ट है। अटेंड मीटिंग जाना है मुझे कोई मतलब कोई ना अपन, और आपने जो चीप लेवल को काम है या पेस्टेड आईसी वगैरह है तो मार्केट में लोग ड्रे बन देख के खड़ू बोल गिर जाएगी, बेसन रखाओ कोई दिक्कत होने, एक बार में अपना हाथ साफ हो और आराम से निकाल के लगा स्पॉट है। मैं खुद कम से कम 5-7 बोर्ड में चालू बोर्ड में निकाल के लगा हूँ और मैंने वापस फोन किया। मुझे ये बताओ कि जैसे नए स्टूडेंट जो आ रहे हैं वो तुम्हारे राजस्थान से, वो क्या सोच कर आया यहाँ पर, कि यहाँ कोई टाइम पास होता है क्या? क्योंकि इंस्टीट्यूट में आकर यही होता है, 3-4 घंटे पढ़ाते हैं, 5-10-15 दिन में कोर्स खत्म कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम मंगे किंग, तुमको पावर ऐसी निकाल के लगा के उनको चालू कर देते हैं सेट। देखो मैं बता रहा हूँ रियलिटी, इनको पता नहीं है, तो आप बताइए कि क्या बोलना चाहोगे कि यहाँ पर क्या आपका टाइम वेस्ट हुआ क्या, एक बार बताइए। सर मेरा एक ही चीज कहना है कि अगर आईसी लगाना और निकालना कोई भी बंदा कर लेगा, लेकिन जब तक सर्किट का आपको नॉलेज नहीं है कि ये प्रॉब्लम है कहाँ से, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो नॉलेज देने के लिए आपको एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करो, आपको जो डीपली सीखना है एंडलेस वो एशिया टेलीकॉम ही दे पाएगा। सर अर्षद आइए, अर्षद आयु जोरदार ताली बजाइए भाई। ये भी काफी एक्सपीरियंस पर्सन है, आइए। सिंगल फोटो अर्षद या मैं आपसे कुछ अलग पूछूंगा, मैं आपको ये पूछूंगा, आप इनको इतिहास दीजिए क्या अपनी तरफ से क्या देना चाहेंगे यहाँ से जाने के बाद में, क्या करें बताइए। ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून, मेरे तरफ से सिर्फ यही एक ही सजेशन है, वर्क हार्ड एंड प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट। क्या होता है, कैसे निकालना है, क्या पार्टीशन, कुछ पता था क्या आपको? कुछ भी पता नहीं सर। जबकि आप सॉफ्टवेयर कर रहे थे? सिर्फ सॉफ्टवेयर करता हूँ, और खुला बोलना बोले तो चार्जिंग कनेक्टर भी नहीं चेंज किया हमें। अच्छा, चार्जिंग कनेक्टर भी नहीं चेंज किया, मतलब आपने बोर्ड में काम नहीं किया? बोर्ड में कुछ भी नहीं सर, ओके, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर का काम ही किया। बिल्कुल। और YouTube पे आपके वीडियोस देख के बहुत इंस्पायर हुआ सर। अच्छा। और फिरोज सर के वीडियोस भी देख के इंस्पायर हुआ, और मिलन सर के भी, मिलन सर के और दुर्गेश सर के वीडियोस पूरा फॉलो करता हूं, सब्सक्राइब भी किया हूं मैं, और देख के
जब तब पता चला है मुझको, अरे मैं तो सिर्फ जीरो नॉलेज में ही हूँ और मुझको बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए यहाँ पे आके ट्रेनिंग जाएगी। आपकी कोई शॉप है क्या अभी या कहाँ से काम कर रहे हैं आप अभी? मैं आंध्र प्रदेश डोन पे हूँ सर। डोन पे मतलब आप, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने घर से वर्क लेते हैं या आपकी कोई शॉप है या कहीं बैठते हैं, आप क्या करते हैं? हमारा तो मेरा और मेरे फ्रेंड का शॉप है सर। अच्छा, दोनों मिलकर रन करते हैं और मैं सॉफ्टवेयर देख लेता हूँ, वो हार्डवेयर का छोटा काम कर देता है। अब यहाँ से अपने फ्रेंड को जाके क्या सिखाने वाले हैं और अभी कौन सा काम पकड़ने वाले हैं बताइए? मैं तो हार्डवेयर भी करूंगा, ईएमएमसी करूंगा, सॉफ्टवेयर भी सारा करूंगा सर। करोगे कि नहीं करोगे? और अपडेट के लिए कौन है भाई आगे, आपका साथी कौन है ये बताइए। अपडेट के लिए ना हम आपको कभी छोड़ेंगे, 3 महीने के बाद हम खुद कॉल करेंगे हेगन को कॉल करेंगे कि भाई आना है कि नहीं आना है, आपकी मर्जी है, आप 4 के बाद आओ, 5 के बाद आओ, 6 के बाद आओ, अपडेट के बाद हम आपको खुद कॉल करेंगे, है ना। चलिए देख जोरदार ताली, आइए जोरदार ताली बजाइए भाई इनके लिए, एक नया जज्बा है इनका। आओ भाई आइए, दादा बंगाली संदीप, अपनी मातृभाषा में हमको बताइए इसे टेलीकॉम कैसा रहा आपके लिए, क्या रहे स्टूडेंट का सफर रहेगा यहाँ पर, ये वो चाहे अपनी भाषा में बताइए। चलिए हमको समझ में तो नहीं आएगा पर मिलन सर को आ जाएगा। हमें 2 বছর আগে থেকে আমার একটা ইচ্ছা ছিল যে আমি একটা বড় আপলে আরসি লেভেলের কার টাই শিখতে যাব, কিন্তু সেই সময় আমার এক বন্ধু ওই বাঁকুড়াতে এক বন্ধুর সঙ্গে সং করেছিলাম, সে কিন্তু টাইম বাই টাইম দিয়ে যাচ্ছিল, সে আমার সঙ্গে সাথ না দেওয়ার জন্য আমি ঠিক করলাম যদি কোনো কিছুতে বড় হতে হয় তাহলে একাই যেতে হবে। এই রবীন্দ্রনাথ বলে তো তবে একলা চলবে সেই গানটা আমার কাছে মনে এসে গেছিলো, তার জন্য আমি দেখলাম যে আমাকে একাই যেতে হবে এই রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে, আর আমি একাই চলে এসেছি, কিন্তু এখানে এসে যে দেখলাম আইসি লেভেলের কাজ যেভাবে শেখানো হয় যা অন্য কোনো ইনস্টিটিউটে শেখানো হয়নি। ঠিক আছে, আমি কাজ করছি আজ থেকে 14 বছর আগের থেকে, কিন্তু আমার যে হার্ডওয়্যারের যেভাবে শেখানো হচ্ছে যে সিস্টেমভাবে শেখানো হচ্ছে সেটা আমার আগে ধারণা থাকেনি, আর সার্কিট ডায়াগ্রাম সম্পর্কে আমার ধারণা থাকেনি, কম্পোনেন্টসের সম্পর্কে কিছু ধারণা ছিল কিন্তু ডিপলিভাবে ধারণা থাকেনি, আর সফটওয়্যার এই যে দুর্গেশ্বরকে আমার যাদের জন্য যেভাবে সফটওয়্যারের সিস্টেমটা বুঝিয়ে দিয়েছে আমার কাছে এফআরকুলার স্যামসাংয়ের এফআরকুলার শুধু আমার কেনে নয় অনেক টেকনিশিয়ানের কাছে এটা খুবই অসুবিধা হয়ে থাকে যে কী ফাইল নামাবো কী ফাইল চাপাবো সে ডেড হয়ে যেতে পারে, এইভাবে আমরা অনেক কাজ করিনি কিন্তু দুর্গেশ্বর আমাদেরকে যেভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে এইভাবে এই ভার্সান এই ভার্সানের ফাইল নামালে এই ভার্সানের ফাইল চাপালে অবশ্যই ভালো, অবশ্যই কোনো অসুবিধা হবে না, এই ট্রিক্সটা আমি দুর্গেশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছি। দুর্গেশ্বরের জন্য আমি বলবো একবার হাত তালি দিতে সবাইকে, আর মিলন স্যার আমাদের খুবই এই ইএমএমসি ট্রিক্স কীভাবে তুলতে হয়, আগে আমার একটা ধারণা ছিল যে ইএমএমসি তুললে হয়তো সে ডেড হবে এটা ভয় ছিল, কিন্তু মিলন স্যারের যে ট্রিক্স যেভাবে আমাদেরকে ইএমএমসি তোলার ট্রিক্স দেখিয়ে দিয়েছে ইএমসি তোলার পরে আমার সেই ভয়টা কেটে গেছে। আমি সমস্ত স্টুডেন্টকে বলবো ইএমসির জন্য মিলন স্যারের জন্য একবার হাততালি, দেব স্যার যেভাবে সার্কিটের ডায়াগ্রাম পড়তে হয় এবং সার্কিট জানতে হয় প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টস কীভাবে থাকে কীভাবে তার কাজ এই কম্পোনেন্টস চিনতেলে কীভাবে দেখতে হয় কী সার্কিটে কী অবস্থানে থাকে সার্কিটের কম্পোনেন্টসের কী কাজ কোথায় শর্ট হলে কীভাবে থাকে যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছে, যেমন একটা বাচ্চা ছেলেকে অবা পড়ানোর সময় তাকে তার মা বাবা কীভাবে পড়ায় বা কীভাবে দেখায় সেই রকমভাবে শিখিয়ে দিয়েছে। আমি দেব স্যারের জন্য সবাইকে বলবো এবার আমি আগামী আমি বেঙ্গলের থেকে এসেছি, বেঙ্গলের সমস্ত টেকনিশিয়ান ভাইকে বলবো যে যদি চিপস লেভেল হিরো থেকে জিরো বানতে হয় তাহলে এই এশিয়া টেলিকমে এসে জয়েন করতে সবাইকে, এবং এশিয়া টেলিকম যেভাবে শিখাচ্ছে যেভাবে শিখায় অবশ্যই যে কোনো লেভেলের একজন টেকনিশিয়ান
যে কোনো লেভেলের একজন টেকনিশিয়ান জিরো থেকে হিরো তৈরি হবে, এটা আমার বিশ্বাস। আমি এখানে এসে দেখেছি এবং আমি আশা করি সমস্ত ইন্ডিয়ান টেকনিশিয়ানকে বলবো যে এশিয়া স্টুডেন্ট এশিয়া টেলিকমে এসে যেমন জয়েন করে এবং নিজের হিরো থেকে জিরো ব্যানে তৈরি হয়ে পড়ে এখান থেকে যায়। ঠিক আছে, আইয়ে জেলানি রাজা, আইয়ে জোরা তালি বাজাইয়ে ভাই উনকে লিয়ে। বহুত হার্ড কাম কিয়া গেল ইনহোনে। সিঙ্গল जिलानी बताओ कल क्या किया तुम, थोड़ा एक्सप्लेन करो। सर मैं कल वीवो वी फाई का जो फुल टेस्टेड ऐसे था उसको निकाला, टेस्टेड जो हार्ड था उसको निकाला, निकाल के फिर रिबोल किया, रिबोल के पैटर्न अनलॉक करके फिर इसको डाल के ऑन किया मोबाइल को, लाइव मोबाइल चालू मोबाइल। सर पहले तो कुछ ये नहीं करता था, आईसी वगैरह नहीं करता था। क्या साइड लेते थे, तुम्हारी दुकान है, शॉप है, क्या है घर से? नहीं, दूसरे दुकान में कोई काम करता था। तो दूसरी दुकान के साथ में है ना? हाँ सर। तो वहाँ पे क्या काम कर पाते थे? सर चार्जिंग पिन बदलना और डिस्प्ले वगैरह बदलना ये कर लेता था। लेकिन थोड़ा सोचा कि आगे भी मार्केट का थोड़ा देख लिया कैसा है मार्केट, तो सोचा कुछ आगे अच्छा सीख लेंगे तो कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा यूट्यूब में भी देखा, चैनल्स वगैरह देखा, तो एशिया टेलीकॉम की थोड़ी ज़्यादातर अपडेट मिलने लगी। इसलिए तो इधर बुकिंग ये कर दिया था, तो एशिया टेलीकॉम के लिए इसलिए आया था। लेकिन जो कुछ देखा, जो कुछ उधर यूट्यूब में देखा था, उससे ज़्यादा इधर आने के बाद मिला है कि आईसी के अंदर क्या होता है और कंपोनेंट्स किस तरह होते हैं, अरेस्टर कैपेसिटर बूस्ट कॉइल किस तरह होता है, किस तरह का निकालना चाहिए, किधर बिठाना चाहिए, ये सभी का नॉलेज मिल गया। अभी अभी जाके बोर्ड के ऊपर बैठेंगे तो भी थोड़ा प्रेशर नहीं रहेगा कि भाई किधर से चालू करूँगा। सही बात, देख लेंगे एक बार, देख लेंगे कंडीशन, देख लेंगे मोबाइल का, तो आराम से फ्री होकर काम कर सकेंगे। इस तरह अभी इस लेवल पे हम लोग बन गए हैं। बिल्कुल, तो अभी कैसे मोबाइल लेना चालू करेंगे आपसे, सारे तरह के या फिर कोई मोबाइल ऐसा है कि जो नहीं लेंगे बताओ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, टेस्टेड हो कोई भी हो, लोगो हो, 90% कंज्यूमर कोई भी हो। अगर कोई सेट ऐसा आया तो पूरा फुल ब्लैक टेस्टेड है और वो लोगो पर है, हमें पता है कि हम उसको एमएमसी निकालेंगे, हेल्थ बनाएंगे या जो भी उसका काम करेंगे बन जाएगा, तो पर डर जाते हैं लोग, बोलते हैं आप लोगों पर तो है, पता चला निकालने का लोगो भी नहीं रहा तो वो डर निकला कि नहीं निकला? सर पहले भी हम लोगों को भी ऐसा ही था, अगर आईसी को थोड़ा हिंट देंगे तो डर जाते थे, बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे। अभी इधर आने में ऐसा नहीं, एक नहीं दो तीन बार निकाल के डालेंगे, बाद भी अगर बंद नहीं होगा ये कॉन्फिडेंट हमारे को है। बिल्कुल, तो उसका स्किल है भी, किस तरह निकालना चाहिए, कितना हीट रखना चाहिए, कितना एयर रखना चाहिए, ये हर तरह की नॉलेज अपने को विलन सर ने, फेरोज सर ने, दुर्गेश सर ने सभी तरह से बता दिया, खास करके कंपोनेंट्स के नॉलेज, हर एक सेक्शन इस तरह आईडियो सेक्शन काम करता है, नेटवर्क सेक्शन क्या करता है, और चार्जिंग सेक्शन तो नेटवर्क सेक्शन ज़्यादा प्रॉब्लम देता था जो कि बना ही नहीं पाते थे, अब किधर से शुरू करें, क्या करें, क्या चेक करें, इधर बीप मार रहे हैं, नेटवर्क सेक्शन में ऐसा होता था कि हर कंपोनेंट बीप मार रहा था, कैपेसिटर भी बीप दे रहा है, कॉइल भी बीप दे रहा है, रजिस्टर भी बीप दे रहा है, सभी ग्राउंड के साथ करेक्ट होते हैं। तो आप समझ में आया ना कि कहीं कुछ नहीं करना है हमको, प्रोसेस जो बताई है उसको फॉलो करना है। प्रोसेस से चले जाएंगे तो आराम से मोबाइल भी रिपेयर कर लेंगे, कंफ्यूज भी नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल, ये सभी इधर एशिया टेलीकॉम में आके सिखाए, अब जो भी नहीं आने चाहते हैं बेफिक्र होके आराम से, नए स्टूडेंट के लिए तो यही कहना चाहते हैं बेफिक्र करके आई है, और एशिया टेलीकॉम में आपका एक फैमिली रहने जैसा ही है, आप इधर थोड़ा भी बोर नहीं हो जाएंगे, किसी तरह का क्वेश्चन पूछ लीजिए आंसर मिल जाएगा, जो अपना ये बैच भी था बहुत अच्छा बैच गया है, एक इतने दूर आए हैं कर्नाटक से हैं लेकिन कभी महसूस नहीं हुआ कि इधर इतना दूर आए हैं, सबसे बड़ी बात एक फैमिली जैसा मिल गया, कभी महसूस नहीं हुआ कि अकेला है भाई इतना दूर आया हूँ, बल्कि स्टूडेंट भी क्लास में जाता था पता नहीं चलता कि किधर है, बोलिए जब हाथ में आते हैं सभी लोग मजाक करते हैं, बैठते हैं एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक महीना पता भी नहीं चला कि किस तरह गुजर गया अपना, तो ये एक मन मन को बहुत मिस करेंगे, और इंशाल्लाह अगले बार अपडेट के लिए भी आएंगे और अपडेट के साथ बहुत कुछ लेके भी जाएंगे। बिल्कुल, और हम मार्केट में अच्छा बहुत कुछ करेंगे और एशिया टेलीकॉम को भी हमेशा अपने साथ रखेंगे। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?
देवेंद्र बिना दाढ़ी के अच्छे लगते हैं यार, स्मार्ट लगता है भाई। सर के दीवाने में क्या रवि क्या बोल रहे हैं ये लोग, थोड़ा दुर्गे सर के दीवाने में भाई कुछ क्या बोल के जाओगे बताओ। जो दुर्गे सर की सॉफ्टवेयर क्लास थी, देव सर की हार्डवेयर क्लास थी, और हमारे मिलन सर के EMM से क्लास थी, वाकई क्लास ऐसी थी जो आपको कहीं भी ऐसी क्लास नहीं मिलेगी। यहाँ आपको जीरो लेवल से आया हो और मैं खुद जीरो लेवल से आया हूँ, बिल्कुल मैंने कभी मोबाइल का काम नहीं किया अभी तक, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं बहुत आगे जाऊँगा, चाहे लोग कुछ भी कहें, मेरा मजाक उड़ाए, मुझे कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पुराने ईएमएमसी के स्टूडेंट रहे हैं आदित, अब इन्होंने हार्डवेयर हमारा किया। आइए आइए मिलन सर। सिंगल सर, सिंगल सारे ब्रह्मों को एचआईटी के सभी ब्रह्मों को मेरा नमस्कार। सर मैं पिछले वर्ष से इमेंसी और सॉफ्टवेयर का करके जा चुका हूँ, और सर मैं हार्डवेयर का जब काम करता था तो टिपिकल लेवल से ये खराब है वो खराब है, एक घंटे दो घंटे मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता था, और जब हम यहाँ पर आए थे तो हार्डवेयर की कैसे सिखाए जा रहे थे यहाँ के स्टूडेंट सारे बताए, उसके बाद हम उसी समय ही हमारा जून का सीट बुक कर लिए थे, लेकिन कोरोना काल से मैं यहाँ पर नहीं आ पाया, फिर दोबारा एमडी सर को फोन किया कि सर मैं आ सकता हूँ, तो सर फरवरी का बैच मेरे को दिए, एमडी सर को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सर जब हम टिपकी लेवल से रजिस्टर कैपेसिटर थर्मिस्टर डायोड कैपेसिटर ये क्या काम करते हैं, ये कैसे ट्रेसिंग किया जाता है, अगर कोई सीखना चाहता है तो एशिया टेलीकॉम आकर के सीख सकता है, अगर कोई एक घंटा दो घंटा पसीने बहाने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो उसको बहुत बहुत झंझट लगती है कि मैं छोड़ दूं ये काम ना करूं, लेकिन जब एशिया टेलीकॉम में आकर के एक बार ज्वाइन करेगा तो वो खुद जान जाएगा कि मैं किस लेवल पर आ चुका हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्टेड आईसी हो या सीपी हो कोई भी हो मैं वन टाइम में उसको निकाल कर रिवाल कर सकता हूँ, मैं एशिया टेलीकॉम का स्टूडेंट हूँ। सिंगल क्या अच्छे रेट पर ऐसे नहीं यार, बताओ कुछ बोलो बोलो कुछ भी बोलो क्या बोलो बताओ, चुड़ाओ चंडी कैसी रही, चलो बताइए, मतलब इन लोग का साथ कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, और मतलब वेरी अच्छा, और यहाँ से सीख कर गए कि नहीं गए? अच्छा सर आपको सारा चीज सीखेगा। अभी क्या पहले क्या काम करते थे सर? एक्चुअली YouTube से देखकर सॉफ्टवेयर काम करते थे। YouTube से देखकर कि अगर कोई मोबाइल आ गया आईटेल का कोई मोबाइल आ गया तो पहले YouTube पे आईटेल का मॉडल नंबर डालेंगे और जो वो अगर मान लो ड्राइवर नहीं दिखाता था तो वो करते ही नहीं थे, फिर नहीं सर होते ही नहीं था। नहीं सर, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत कोशिश करके बोला दुर्गेश सर थे जो कि बताया कि मैं सैमसंग का जो एफआरपी मारते थे तो यूट्यूब देख के कॉम्बिनेशन फाइल से एक दो मारा था, ठीक है सर, लेकिन यहाँ आने के बाद कॉम्बिनेशन फाइल क्यों लगाया जाता है, कैसे मारा क्यों मारा जाता है,
अभी हार्डवेयर का काम लोगे कि नहीं लोगे? यस सर बिल्कुल हम लोग। मान लो कोई सेट आया रियलमी 3 आया उसका तुमको पता करना है? यस सर छुटकी में करूंगा सर, क्योंकि उसमें ISP नहीं होता है, उसका MMC निकालना होता है। यस सर। तो वो और ब्लैक टेस्टेड होता है भाई, तो कर पाएंगे कि नहीं? यस सर बिल्कुल। कस्टमर को डेड टेस्ट तो नहीं देंगे? नहीं नहीं सर। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। थैंक यू वेरी मच इंडिया का। अरे ये भाई जोरदार ताली बजाइए। आइए सिंगल कन्हैया राजस्थान से हैं? राजस्थान से है ना? कहाँ से राजस्थान से? राजस्थान से भिलवाड़ा से। भिलवाड़ा, थोड़ा बताओ आपके पास क्या है, आप शॉप में काम करते हैं कैसा है, क्या आपका काम के बारे में बताइए थोड़ा सा। बताइए सर हमारे खुद की शॉप है सर। अच्छा वहाँ पर बिल्कुल कहाँ पर है जगह? जगह तो जरा नाम है राजस्थान में मेन भिलवाड़ा सिटी के अंदर ही है सर। नंबर दो अपना मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर दो 8385057105। ठीक है, लाइव मोबाइल में स्टूडेंट का नंबर देना हिंदुस्तान में किसी की औकात नहीं है। कोई बात जोरदार ताली बजाइए। कोई बंदा आपके यहाँ पे है ना? बिल्कुल सर। तो क्या बोलना चाहोगे कि एक लाइन पे कि नए स्टूडेंट को क्या हिदायत और क्या इनको बोलना चाहोगे कि क्या करें? कल आपने क्या काम किया था ये भी बताइए सर। कल व्हाइट होगा इमरजेंसी थी, चेंज किया था 3 GB को 4 GB में कन्वर्ट किया था। मतलब आपने उसको अपग्रेड भी किया? बिल्कुल सर, 3 GB 4 GB में किया। जो भी आपने किया वो आपने खुद से किया, हम लोग ने तो नहीं करवाया ना आपको? नहीं सर, हम लोग पहले सर ने बताया था और कल उसका प्रैक्टिकल करके हमने खुद ने चेंज किया। मतलब हमने सिखाने के बाद आपने खुद से प्रैक्टिकल किया? उस टाइम पे तो आपका एक बार कुछ नहीं था कि सर ये क्या करना भूल गया है? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं। दो ताली बजाइए भाई। इन्होंने कल Y2 का MMC चेंज किया, उसको अपग्रेड भी किया 2 GB को 3 GB और 3 GB को 4 GB रैम अपग्रेड किया आपने उसका। पूरा चेंज किया MMC वो। तो क्या बोलना चाहोगे कि भाई क्या ये लोग जाके करें यहाँ से जाने के बाद में? इनके लिए बताओ कुछ, बताओ इनके लिए कि तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारी एक होगा ना कि मेरा यार कंसेप्ट ये है, आप जाकर करने वाले जाते हैं बस वही हार्डवेयर प्रॉपर वही काम करना है, काम कुछ भी नहीं करना। और यहाँ सीखने के बाद हार्डवेयर ही आए थे। देखो जाते ही साथ में काम करना है और कुछ भी नहीं करना है भैया। घूमने उमने मत जाना सोच के कि एक महीना काम कर लिया तो चलो आप घूमने चलते हैं। जाते साथ मैं कम से कम अपनी लाइफ में 4 साल ऐसा घर से निकला नहीं ये सोचते कि यार मैं निकलूं। मेरे को याद है मैंने बताया था गोवा और दुबई का बताया था दुनिया का, मैं निकला नहीं। आज मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो अपनी लाइफ में एक जगह पे आ जाओ पहले, बस घूमते रहोगे तो ऑर्डिनरी मैन बन के रह जाओगे, भीड़ में खड़े रह जाओगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और जीवन जीवन मोहन इंडिया का मोबाइल इंस्टीट्यूट कॉलेज पटेल आइए। सोमनाथ पटेल थ्रू आउट बेस्ट स्टूडेंट भाई, सभी बेस्ट हैं। सिंगल सोमनाथ बताइए क्या आपका, आप अपने बारे में बताओ क्या, कहाँ रहते हो, कहाँ शॉप है, कैसा काम कर रहे थे, आप क्या करोगे बताइए, अपने बारे में बताओ। सर मेरा नाम सोमनाथ पाटिल है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। सर पहले तो मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करना चाहता हूँ और मैं सभी गुरुजनों के लिए जोरदार तालियां। पहली क्लास हमारे सर की थी, ठीक है? यहाँ इन्होंने हमें पूरे जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो सर्किट होते हैं, पूरी 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 डीपली नॉलेज दिए, जिससे हम पूरे सर्किट की जो भी सेट आएगा भविष्य में हमारे लिए उसको हम बना सकेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है? और हमारे दुर्गेश सर सॉफ्टवेयर के, जो अभी मार्केट में होता ना कि ओप्पो वीवो और जो आए अपने इन्फिनिक्स जो भी मॉडल है, लोग को यही वहम है कि वो जिसमें जो फाइल डलती है वो सॉफ्टवेयर होता है, वो मॉडल वाइज होता है बोलते हैं। बट जो सर ने हमें क्लियर किया कि वहाँ CPU वाइज होती है जितनी भी फ्लैशिंग होती है, ये माइंड में कॉन्सेप्ट ने क्लियर किया अपना। और अपना MNC वाले हमारे दुर्गेश सर है, मिलन सर है, उनको तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि इन्होंने जितने भी माइंड में डाउट्स थे उसको क्लियर किए और हमें वो नॉलेज दी जो हमें यहाँ आने के लिए जो हम सोच के आए थे वो पूरा डीपी नॉलेज दिए सर। अब आप दुकान में क्या सेट लेने चालू करेंगे, क्या कंसेप्ट है जाने के बाद? सर पूरा सर ब्लैक पेस्टेड आज जितना मॉडल्स है ना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर MMC जितनी प्रॉब्लम आएगी। और आपका टाइमिंग क्या रहेगा, आपका आप काम की थोड़ी टाइमिंग बताओ इनको। बताइए कि आप सुबह कब उठेंगे, आपका क्या दिमाग में? देखो
मैं ना अगले एक हफ्ते का अभी सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ अगले दिन मैं सुबह कितने बजे उठूंगा, कितने बजे सोऊंगा, आप बताइए आपका क्या टाइमिंग रहेगा। सर डेली शेड्यूल जो अपना होता है सर वो तो रहेगा ही, बट अपन को डेली 2 घंटा तो देना ही पड़ेगा सर, विद होम में सर, एक अपना घर में भी बनाना पड़ेगा और एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा सर, क्योंकि ये अपना जो फील्ड है ना सर, बिना अपडेट का कभी नहीं हो सकता सर, अपडेट के जो सर्किट के नॉलेज है उसको अपडेट होना पड़ेगा सर, और एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा सर, क्योंकि अपना जो नॉलेज जो फील्ड है ना, दिन प्रतिदिन हर घंटे हर मिनट में नया सर्किट आ रहा है सर मार्केट पे, तो उसके लिए नॉलेज के लिए सर एशिया टेलीकॉम तो है सर, हमें कोई टेंशन नहीं है, और अपडेट के लिए हमें और 3 महीना है 6 महीना है, जब भी आएंगे सर हमारे साथ है। हसन हसन भाई आइए, होता ताली बजाइए। हसन मिया अच्छा प्रोड्यूसर का खास है, प्रोड्यूसर के लिए बात करेंगे। सिंगर हसन मियां क्या नाम, मतलब नाम तो तुम्हें पता चल गया, तुम ये बताओ कि तुम क्या काम करते थे, दुकान में थे या घर पे थे, तुम्हारा कहाँ दुकान है, क्या काम लेते थे, ये बताओ थोड़ा। सर मेरा नाम हसन है, मैं कर्नाटक से आया हूँ। बिल्कुल, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करता था सर, बेसिक कोई भी काम नहीं करते थे भाई। अब बताओ अब क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है, बताओ लाइफ में। हाँ अपने लैंग्वेज में बोलो तो। नहीं हाँ यार, बहुत से लोग मेरे घर वाले मेरे से पूछ रहे थे, वो तुम लोग बोलते हो तो कर्नाटक इससे है, तो पड़ोस से तो नहीं रहते है भाई, उनकी लैंग्वेज में बुलवाओ, बताइए अपनी लैंग्वेज में थोड़ा। सर हसन ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಥರ ನನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಐ ಸಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಐ ಸಿ, ಈಗ ಈ ಶೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಗಳು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಸರಿ ಠೀಕ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। एक फोटो खींचे सर, कोई छोटी मोटी बात, सिंगल ओके रहो, तो आप आगे दोनों इनकी, हाँ दोनों दो, अंदर दे दो, अभी दे दो फोटो खींचे, सामने रखिए दोनों अलग अलग, बिल्कुल। चले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, देखो सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होती, मैं सच बताऊँ काम की होती है, मेरे पास इतना सर्टिफिकेट है ना, मेरे पास एमबीए का पता नहीं काय का सर्टिफिकेट लेकर बैठा हूँ, मेरे कोई वैल्यू नहीं है। आप सब जानते हैं सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं होती है, आपके नॉलेज की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, ये कितना कर सकता है, समझ रहा है, ये कितना कर सकता है, इसकी वैल्यू है, ये आप कितना पकड़ के हैंड स्किल, और इसकी वैल्यू है जो आपके सर के अंदर है, ठीक है ना। तो बताओ कि क्या वाकई में वैल्यू मिली कि नहीं मिली, वैल्यू भरी कि नहीं भरी, बताइए बताइए। एक ही बात बोलूंगा, मैं जीरो से हीरो बन के जा रहा हूँ। शॉप थी, दुकान थी, कुछ अपना बताओ अपने बारे में, क्या मेरे से कहाँ के हो आप, पूरा बताओ। मैं महाराष्ट्र से हूँ, बिल्कुल शॉप से बहुत से दुकान बहुत से मोबाइल वापस जाते थे, बट इसके बाद एक भी मोबाइल रिटर्न नहीं जाएगा, बन के जाएंगे, बन के जाएगा, और हम आपका पूरा साथ देंगे आपके बनाने में, और हम सबका साथ देंगे भाई, जो जाता है सबसे आगे बढ़कर कौन। थैंक यू वेरी मच, अब ग्रुप फोटो खींचे, इंडिया का मोबाइल इंस्टीट्यूट कॉलेज। रामचरण जी आप कहाँ से हैं? कानपुर यूपी। कानपुर यूपी से, क्या बात है, कानपुर की यार भाषा बहुत अच्छी है ना, मूवी में बहुत पसंद है, आइए लीजिए। सीधे देखिए रामचरण जी, कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए, ये तो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा दिल है यार, मैं चाहता हूँ कि आप बताओ कि कानपुर से यहाँ आकर सही किया कि नहीं किया, बताओ यार, लास्ट दे दे यार, बताओ। सर बहुत अच्छा किया हमने करके। हाँ क्या आधार देना चाहोगे, यहाँ से जाने का क्या करोगे, तो ये बताओ तुम्हारा क्या है। सर ए टू जेड पूरा काम करेंगे। ए टू जेड, पहले क्या करते थे?
सर हल्का फुल्का काम कर लेते थे, हार्डवेयर काम करते। दुकान थी आपकी या किसी के साथ बैठते थे? दुकान थी। दुकान थी तो आप दुकान में कैसे मोबाइल लेते थे पहले आप? मतलब किस तरह के मोबाइल ले लेते थे आप? सर ये स्पीकर कनेक्टर वगैरह के काम करते थे। आप किस तरह के मोबाइल लेना चालू करेंगे? सर पूरा इमेंसी लेवल तक, मतलब आप डेड फोन लेना चालू करेंगे, लोगों पे आईफोन, भाई पावर जितना सॉर्ट, ईयर सॉर्टिंग, हाफ सॉर्टिंग, फुल सॉर्टिंग, डीपीएच लाइन की बात करूं या वीआरईजी लाइन या जो भी सप्लाई की बात करूं, बेसिक से हाई लेवल तक पूरा काम करेंगे। काम करेंगे कि नहीं करेंगे? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ए बार क्या जोरदार ताली बजाइए। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? सबसे वर्कर कौन? थैंक यू वेरी मच। सबसे आगे कौन? Thank you and all the best.